हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। तो आज हम कवर करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। और यार देखो, GTA 6 काफी जल्दी आने वाली है। मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट GTA 6 की डेट पता चल गई है कि कब तक हमारे को GTA 6 देखने को मिल जाएगी, और साथ के साथ ही हमारे किस किस कंसोल्स में देखने को मिलेगी, पीसी में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो यार, GTA तो पीसी में तो ऐसे मिलेगी, पर कब तक देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल टू डिटेल बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलो यार, उससे पहले हमारे पे एक बहुत बड़ा PlayStation का गिव अवे चल रहा है। आप इसे PS2, PS3, PS4 तीनों अपने जीत सकते हो। मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया अपने दूसरे चैनल का लिंक। तो भाई आपको मेरे वहां से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, उसकी एक वीडियो पे अपने कमेंट पे भाई नाम लिख देना है, ताकि मेरे को आपका नाम याद हो जाए और आप बहुत आराम से PS4, PS3, PS2 जीत सके। तो जाओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर दो मेरे सेकंड चैनल को, और भाई अपने गिव अवे में पार्टिसिपेट आप कर लो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमने GTA 6, जो कि भाई अब भला यार लोगों के मन में इतनी ज्यादा वो है कि आएगी भी या नहीं आएगी, कब तक आएगी। तो देखो, GTA 6 आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उससे पहले यार ये एक न्यूज़ है कि रॉकस्टार अपनी दूसरी गेम पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि GTA 6 की थोड़ी और डिले बढ़ गई क्या? थोड़ी सी बढ़ गई, कोई बात नहीं यार, ज्यादा नहीं बढ़ी। पहले यार रॉकस्टार ने देखो डिसाइड किया अपनी रेड डेड रिडेम्पशन 3 लाने का, जो कि एकदम वैलिड है। क्यों किया? इसलिए है क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई RDR 2 काफी ज्यादा चली थी, और यार रेड डेड रिडेम्पशन के सिर्फ दो ही पार्ट बने, तो तीसरा पार्ट तो आना बनता ही बनता है। जैसे आपको पता है कि भाई यार रेड डेड रिडेम्पशन 2 में एकदम ये लास्ट की जो अपनी सिनेमैटिक थी वहां पे दिखाया गया था, तो ठीक है, इसका मतलब है कि कंफर्म रेड डेड रिडेम्पशन 3 आएगी। चलो यार बात कर लेते हैं हमने GTA 6 आगे कब तक देखने को हमारे को मिल जाएगी। तो देखो, GTA 6 सबसे पहले तो भाई हमारे को अपने भाई क्या बोलूं मैं, सबसे देखो कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो भाई देखो बाहर के देश वालों के लिए आएगी, तो ठीक है, पहले हम लोगों के लिए नहीं आएगी, हमारे लिए आएगी रिलीज होने के कम से कम 7-8 महीने बाद। जी हाँ, क्योंकि पहले जो होगा भाई रॉकस्टार अपने बाहर के लोगों के लिए रिलीज करेगा, फिर अपने लिए रिलीज करेगा। चलो जी बात कर लेते हैं कि GTA 6 की रिलीज डेट क्या होने वाली है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको ईयर बता देता हूं, 2024 में कंफर्म है पूरा कि GTA 6 आएगी। मंथ भी मैं चलो आपको बता देता हूं, मंथ होगा जो भाई इसका सितंबर से अक्टूबर, तो ठीक है इन दो के बीच में आएगी ही आएगी जो इसकी रिलीज डेट है। चलो जी मैं आपको यह भी बता देता हूं, इसकी जो रिलीज डेट होगी वो आपको भाई देखने को मिलेगी 2 से 3 तक, मतलब भाई 3 सितंबर या फिर भाई 2 अक्टूबर, ऐसे में आपको देखने को मिलेगी। देखो सितंबर में तो काफी ज्यादा कम चांसेस है, क्योंकि रॉकस्टार जितनी भी अपनी गेम रिलीज करते हैं वो अक्टूबर में ही करता है। सो मेक श्योर आप अक्टूबर तक का थोड़ा सा वेट करो, आपको GTA 6 इसमें देखने को मिल ही जाएगी। अब मैंने आपको GTA 6 की रिलीज डेट तो बता दी, लेकिन इसके ट्रेलर की रिलीज डेट तो जान लो मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका जो सबसे पहले ट्रेलर आएगा ना वो भाई एकदम बवाल मचा देगा। और भाई आप लोगों को पता है कि भाई गेम से पहले ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर देखना तो बनता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले देखो ट्रेलर की जो रिलीज डेट होगी वो है आपकी भाई कम से कम अपना होगा 5 महीने पहले से ट्रेलर आएगा, मतलब कि आपको ये समझ लो कि 2024 मतलब कि 2024 की स्टार्टिंग के आपको कुछ मंथ में ही ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो देखो इस ट्रेलर में क्लियरली बताया जाएगा कि ये गेम PS4 में नहीं आएगी। अगर आप पे PS4 है तो आप भाई सॉरी यार, आप इसमें नहीं खेल सकते, आपको PS5 लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये गेम PS5 एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई PS5 ज्यादा नहीं बिका है, तो ज्यादा बेचने के लिए अपने PS5 को GTA 6 अगर भाई रख दी ना एक्सक्लूसिव, तो भाई बहुत ज्यादा की बिकेगी भाई, बहुत ज्यादा बिक्री हो जाएगी PS5 की भी, साथ के साथ GTA 6 की भी। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि भाई GTA 6 वालों को PS4 वालों के लिए भी लानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है PC में तो आएगी और Xbox यूजर्स के लिए भी आएगी। देखिए PS4 के लिए भी लिया जाए तो थोड़ी और सेल बढ़ जाती ना, लेकिन वो ये ना कि भाई अपने कंसोल बेचने के लिए तो यार गेम को भी एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे GTA 6 के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।